हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट में आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और वहाँ पर टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट, क्लिक कर लेना है उस पर। देखिए फ्रेंड्स, हमको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऊपर चले जाना है, कहीं और क्लिक नहीं करना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट का, अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको देखेगा एक ऑप्शन क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेना है। सिंपली आपका देखिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्रिएट करना है। या दो तरीके से कर सकते हो, यूज़ अ फ़ोन नंबर इंसर्ट या गेट ईमेल न्यू। हम ईमेल के जरिए आपको बताएंगे, दोनों तरीका से सेम होता है। हम ईमेल के जरिए बताएंगे, तो हम ईमेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर न्यू ईमेल पर आपको टाइप करना है जो आप ईमेल बनाना चाहते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे। फॉर एग्जांपल हम बना दी नंदा और नेक्स्ट करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है सिंपल नाम नहीं चलेगा या नंबर को डिजिट करिए, क्योंकि ये नाम पहले से अवेलेबल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कोई नंबर टाइप कर देते हैं, 19 एन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट चले गए। यहाँ पर क्रिएट अ पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, हमें अपने पासवर्ड को क्रिएट करना है। इसके बाद हमें पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। या क्रिएट अकाउंट के लिए यहाँ पर एक पज़ल सॉल्व करने के लिए कहा गया है रोबोट के तरफ से, हमको उसके पज़ल सॉल्व करना है। हमें लिखा है प्लीज़ सॉल्व द पज़ल, वी नो यू आर नॉट अ रोबोट, तो हमें नेक्स्ट कर देना है इस पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है पिक द जिराफ, हमें जिराफ को सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, ये पज़ल टाइम टू टाइम चेंज होता है, अगर आप करोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके सामने भी यही पज़ल आए, आपको पढ़कर करना है। हमारे सामने पिक द जिराफ आया, तो हम जिराफ के फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पज़ल सॉल्व करने के बाद आपका ये ऑप्शन आएगा स्टे साइन इन, आपको सिंपली क्या करना है, डोंट शो पे क्लिक करना है और यस कर देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका माइक्रोसॉफ्ट में एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं एड योर नेम का भी ऑप्शन आएगा, चेंज पासवर्ड का भी आ जाएगा। आपको पूरा कंफर्म करने के लिए यहाँ यूज़र पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपका लॉगिन ईमेल पूरा शो कर जाएगा, जो हमने adinanda19@outlook करके जो बनाया था, इसका मतलब है हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ क्रिएट हो चुका है। ठीक इसी तरह हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर पर भी बना सकते हैं अकाउंट। आपको सिंपली सर्च बार पर करना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, ऐप स्टोर का सर्च करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन बड़ी कर लेनी है, फिर आपको देखना यहाँ यूज़र का दिखाएगा, यहाँ पर इसको आपको साइन इन करना है। आपको दोबारा पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पर अकाउंट अभी बनाया है। सिंपली आपको यहाँ पर जो ईमेल आपने क्रिएट की थी, उस ईमेल को टाइप कर देना है। हमने adinanda19@outlook.com बनाया था, हम नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पासवर्ड वहाँ क्रिएट किया था, वो पासवर्ड हमें यहाँ एंटर कर देना है। इसके बाद हम साइन इन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन आएगा यूज़ दिस अकाउंट एवरीवेयर ऑन योर डिवाइस, इसको आपको नेक्स्ट कर लेना है। प्लीज़ वेट, ये 5 सेकंड का टाइम लेगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर पर भी अकाउंट बन गया। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ईमेल आईडी हो चुकी है और साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि साइन इन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना सकते हैं दोनों जगह।